अंदोलन का काफिला लगातार वाधा जा रहा है। नॉर्थ तो साउथ तक है जिहड़ा एक कनैक्शन जुड़ता पिया। तो ये अंदोलन के तमिलनाडु तो लोग आए हैं, मुझे लगता है आपसे हिंदी में बात करनी पड़ेगी। मुझे क्या नाम है आपका? महेंद्रन। यहाँ पे क्यों आए हैं आप? अरे कितना बड़ा प्रॉब्लम है किसानों के लिए, हम भी किसान हैं यार। दुनिया में बड़ा मालिक जो है बोलते वो किसान है, लेकिन इधर भिखारी है वो। सरकारें तो ये कहती हैं कि सिर्फ पंजाब हरियाणा को दिक्कत है और किसी को दिक्कत नहीं। आप कह रहे हैं किसानों को दिक्कत है, आप कह रहे हैं तमिल में भी दिक्कत है, सब जगह दिक्कत है, सब जगह प्रॉब्लम है किसानों के लिए। खाली पंजाब में नहीं है, सारा देश में प्रॉब्लम है। पहले भाई लोग आ गए, पीछे सब लोग आए। कितने देर रुकोगे आप यहाँ पे? हाँ हम तो है इधर पिछले 10-15 दिन से है, लेकिन इधर प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। क्या है कि पुलिस लोग है ना बहुत क्या कर रहे हैं, थ्रेटनिंग कर रहे हैं, वो थोड़ा प्रॉब्लम है इधर। लोगों अंदर उधर से अंदर आने के लिए प्रॉब्लम है। कल जो चेन्नई से ट्रेन पकड़े थे तमिलनाडु में, पुलिस वाले कहाँ जा रहे, किधर जा रहे, सब एड्रेस लेके छोड़े थे। ये जो भाई हमारा भाई है फार्मर्स विंग का सेक्रेटरी है, स्टेट सेक्रेटरी है, आप कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये बोले थे नहीं नहीं उधर कुछ काम है, हमारा पर्सनल काम है इसलिए जा रहे हैं, बोल के आए थे। जो भी ऐसा है ये प्रोटेस्ट के लिए, संघर्ष के लिए आ रहे हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं उधर। लेकिन जब डोमिनेट करते हैं लोग तभी वो प्रॉब्लम बढ़ता है। आपके भी वहाँ पे बहुत ऐसे एजिटेशन रहे हैं, कवेरी का मुद्दा है इतना बड़ा आपके वहाँ पे रहा है, आपको लगता है कि ये हल होगा, ये जो यहाँ पे लोग बैठे हैं आप भी इनके साथ आ गए हैं? ये पक्का जीतेंगे, पक्का जीतने वाले ये। देखो भाई साहब, दुनिया में लड़ेंगे और नहीं लड़ेंगे, कई भी हाल में मरने वाले है, एक मौका है, लड़ेंगे तो जीत सकते हैं। संघर्ष इज मैंडेटरी, संघर्ष जरूरी है। अब तमिलनाडु में आपके एक सियासत भी अलग तरह की रहती है, और जो अभी यहाँ पे सत्ताधारी पार्टी है, मुझे लगता है तमिल से उनको वहाँ से तमिलनाडु से ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। आपको लगता है कि तमिलनाडु की आवाज़ यहाँ दिल्ली को सुनती है? बिल्कुल सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा, हम भी इसी इंडिया के अंदर है ना, हम तो ऐसे अलग दुनिया दूसरा दुनिया से है नहीं है ना, हम लोग एक ही कंट्री में, सो यही बोलते हैं एक नेशन एक, तो हम भी इंडिया के अंदर है, हम बोलेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे, क्यों? हम भी किसान हैं, ये बिल तो हमारे लिए भी है, ऐसे तो नहीं है सिर्फ पंजाब और हरियाणा के लिए, हमारे भी है। भाई लोग पहले आ चुका है, हमारा लोग सारे अभी सब लोग तैयार बैठा है उधर, अपना अपना कर रहा है, लेकिन ये तब तक ये बिल वापस ना करेगा ना, तब तक ये देखते रहे ना, और भी पूरा दुनिया तक ये घूमने वाला है। मतलब हर जगह पे ये किसानों लोगों ने पूरा बंद कर लिया ना, किसी को खाने भी नहीं मिलेगा। अभी क्या दिक्कत है, सारे किसान किसान लड़ रहे हैं, ऐसे नहीं है, अभी सब लोगों को समझ आ रहा है ये भैया ये किसान का नहीं है, ये आम आदमी के लिए, मेरे लिए भी है, कल मुझे भी खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, 400 रुपया किलो भेजेगा ना तभी मालूम पड़ेगा। ये हर लोग आएगा तो ये तो जरूर ये बिल वापस होगा, तब तक नहीं वापस होगा कोई नहीं छोड़ने वाला। आपको कौन लेकर आया यहाँ पे, या खुद ही आया? हम लोग खुद ही आया, ऐसे हम लोग भाई लोग हैं ये, हम हमेशा तमिल सिख, हम हमेशा हर चीज के लिए इनके साथ रहते हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम है थे हमारे भाई लोग उधर आ जाते थे हमारे सपोर्ट करने के लिए। हम ऐसे ही नहीं है, मतलब सिर्फ ये एक ही बार आया, बहुत बार हम आ चुका थे, काफी देर काफी चीज के लिए हम भी इधर आया, भाई लोग भी उधर आया था, सो हमें काफी पहले दिन 10 दिन का पहले आने वाला था, हमें आने नहीं दे रहे, दूसरा हमारा पार्टी का लीडर भी आने वाला था उसको भी आने नहीं दे रहे, लेकिन हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं, सिर्फ हम 50 लोग इसलिए आया दिखाने के लिए, ऐसे नहीं है। अभी तमिलनाडु में पूरा मतलब सारे फार्मर्स हमारा आंदोलन होने वाला है, वो तो अभी देखते रहना, उधर से मीडिया दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन सोशल मीडिया तो है, वो पूरा दुनिया का दिखेगा, तो ऐसे नहीं है ये लोग तो आप लोग अच्छा है फिर भी दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ नेशनल मीडिया है वो दिखा नहीं रहे, नहीं दिखा रहा तो दिखा ना होने दो, लेकिन सोशल मीडिया तो सबके पास पहुंचवा देगा ये मैसेज। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛਿੜਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਛਿੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਤਮਿਲਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬੁਢਾੜੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬੁਢਾੜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
असी बहुत क्लीयर हाँ। मैं जिहड़ी गल कहना चाह रहा वह हैगा कि 545 बंदे कोई चीज़ लैके आते हैं एक्ट, वो बंदे ने चुन के किस भेजी है लोगों ने, वो लोगों वास्ते गए ने, लोग उन्होंने वास्ते नहीं है। तो कोई भी जो लॉ ले आना है तो लोगों पूछना चाहिए है, लोगों बारे डिस्कशन होनी चाहिए ने। कुछ चोणवे 10-15 बंदे करोड़ों की गिनती के फैसले नहीं कर सकते क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। दिल्ली तो इंसाफ दोगे? लगता नहीं है। 71 साल तो पिछला पिछोकड़ देखिए, पर यह बाबे की कृपा है कि इस बार मिलेगा क्योंकि असी भी कहने इन्होंने उन्होंने टॉपअप करदा एक जिदा कह रहे हैं कि लगता नहीं है, लेकिन पंजाब का इतिहास देखो लैके रहोंगे, हक खो के लैने पैंदे है तो खो के लवेंगे। दिल्ली 18 बार फतेह की सिखा ने, 19वीं बार ये स्लोगन जेडे साडे तमिल वीर ने तैयार किया इन्होंने, तो ये इस स्लोगन इस चीज़ की निशानी है। दिल्ली फिर फतेह होएगी, जरूर फतेह होएगी, गुरु महाराज की कृपा नाल फतेह होएगी। जी चीज़ उन्होंने हैगी है ना, देखो वो लटका रहे हैं काम को, एक मुद्दा बड़ा क्लीयर है, बिल वापस लेना है या नहीं। मैं कहना वो 10 दिन होर ले लैन, 15 ले लैन, मीटिंग ना करन, वो हाँ या ना करन, क्योंकि लास्ट वही उठ के आए हैं कि हाँ करो या ना करो, उस तो बिना कुछ नहीं हो सकता। और इस बार उन्होंने हाँ करनी पैनी है, नहीं तो वो अपने अंजाम आप भुगत लेंगे। बहुत धन्यवाद। ये कहते हाँ लैके ही रहेंगे, अंदोलन है जो लगातार शिखर से जाता पिया, देख रहे हो तो ये लोग तमिलनाडु तो आ गए इतने आके जिहड़ा भाईचारक सांझ है उसका प्रगटावा कर रहे हैं, तो अंदोलन की यही खूबसूरती है, आपस में सांझा वधदियां पईआं, तो जो सांझा वधदियां तो उदों सरकारां लई दिक्कत खड़ी हुंदी है। कैमरा पर्सन प्रदीप दे नाल मैं KP सिंह, जस पंजाबी, दिल्ली।